आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दिए गए घंटे के आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, दिवाली की तैयारियां हर घर में तेजी से चल रही है, लेकिन हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से उनकी आर्थिक स्थिति इस दिवाली से बेहतर हो। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे 5 काम बताएंगे जो करने से आपकी आर्थिक स्थिति और घर पर पैसों की कमी कभी नहीं चलेगी। निवेश का कदम। अगर अभी तक आप कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं और केवल प्लान कर रहे हैं, तो इस दिवाली निवेश का पहला कदम बढ़ा दीजिए। आपकी जितनी आमदनी है उसी में 20% रकम निवेश के लिए निर्धारित करें। फिर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी, निवेश को भी बढ़ाते जाएं। लेकिन शुरुआत इस दिवाली से कर दें। निवेश के कई विकल्प हैं आपके पास। आप पोस्ट ऑफिस, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस। जिस परिवार की खुशियों के लिए आज आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर मांगे पूरी करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए आपके बगैर उस परिवार की क्या स्थिति होगी। मेरे सवाल ने शायद आपको झकझोर दिया होगा, लेकिन ये सच है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस दिवाली सबसे पहले आप अपना टर्म इंश्योरेंस करवा कर उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य का तोहफा दें। यह आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित तो रखता ही है, साथ ही उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरी करता है। हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल की लाइफस्टाइल में कोई कभी भी बीमार पड़ सकता है। गंभीर बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों को ही अपना शिकार नहीं बना रही हैं, बल्कि युवा आबादी भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। आज के दौर में हॉस्पिटल का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस खर्च को आम आदमी नहीं उठा सकता, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे उतना ही बेहतर होगा। भारत में बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हेल्थ प्लान पेश किए जा रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत हेल्थ प्लान से लेकर फैमिली फ्लोटर प्लान तक शामिल है। अपनी जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत या फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। फिजूल खर्ची पर लगाम। फिजूल खर्ची आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या है और यह हर घर की समस्या है। अगर आप फिजूल खर्ची से बचना चाहते हैं तो शौक और आदतों को सीमित करें। होटल और रेस्टोरेंटों में खाना खाने की आदत है तो इसमें बदलाव करें। इससे न सिर्फ आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा बल्कि फिजूल खर्ची से भी बच पाएंगे। आप मॉल या दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने हाथ में जो सामान खरीदना है उसकी लिस्ट रखें ताकि बजट में खरीदारी कर सकें। ऑफर्स देख उतावले ना हो। हर साल दिवाली पर मॉल से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग पर ढेरों ऑफर्स होते हैं। ऑफर्स के दौरान कंपनियां 10-20% तक अतिरिक्त छूट देती है, लेकिन लोग ऑफर्स के चक्कर में उन प्रोडक्ट्स को भी खरीद लेते हैं जो उनके इस्तेमाल के नहीं होते। खासकर क्रेडिट कार्ड धारक ऑफर्स के दौरान उतावले होकर बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। इसलिए हमेशा जरूरत की चीजें ही खरीदें और पैसे बचाने की आदत डालें। कुछ लोग दिवाली पर बेतहाशा पैसे खर्च कर देते हैं और फिर अगले महीने ही उनका बजट बिगड़ जाता है। इसलिए इन आदतों पर आज ही लगाम लगाएं। उम्मीद है कि अगली दिवाली आपके लिए और बेहतर व खुशनुमा होगी।